है फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और अपने लाइफ में अस्त व्यस्त और मस्त होंगे। तो मेरा जितिया का व्रत है और मैं कल से ही फास्ट में हूँ। आज 10:32 के बाद पारण करना है, तो अभी फास्ट में हूँ और खाने का काम सीखा कर रही है हम लोगों का, पारण का तैयारी। बोला तो नहीं जा रहा क्योंकि चला उपवास है, बोला भी नहीं जा रहा है। बिल्कुल भूखे प्यासे हैं हम लोग और अभी खाना का तैयारी हो रहा है। तो अभी मेरी मम्मी बना रही है दही वड़ा। दही वड़ा में जो उसका तक्कर बनता है, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, हमारे यहाँ तो तक्कर ही बोला जाता है। दही का, दही को घोल लिया गया है, उसमें क्या सब डाली हो सीखा? दही है, जीरा पाउडर और मिर्ची पाउडर और काला नमक। दही है और मिर्ची पाउडर है जिसको हल्का सा भून दी हुई थी, जीरा पाउडर, उसको जीरा को भी भूज करके उसका पाउडर बना करके, काला नमक एंड जो हम लोग नमक खाते हैं सब्जी में यूज करते हैं वो भी नमक स्वाद अनुसार डाल करके, और देखिए इसको सीखा कैसे मिक्स करेगी। गाइस को भी किचन में मेरे यहाँ काम नहीं हो रहा है क्योंकि घर के अंदर कुछ काम चल रहा है, तो हम लोग खाना भी घर के बाहर ही बना रहे हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारा खाना घर के बाहर ही बनता है, किचन नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, किचन है बट घर के अंदर काम चल रहा है जिसके कारण हम लोग किचन में काम नहीं कर रहे हैं। तो आगे आने वाली वीडियो में आप लोग मेरा किचन भी देखेंगे बट अभी तो फिलहाल हम लोग बाहर ही काम कर रहे हैं और बाहर ही खाना बना रहे हैं। तो ये इसका तक्कर रेडी हो चुका है और इसमें जब हल्का सा दही वड़ा जो मम्मी छान रही है उसका वड़ा वो ठंडा होगा फिर इसमें मम्मी डुबो देगी। फिर चलिए वीडियो में बने रहिए, आगे का मैं फिर दिखाती हूँ कि कैसे और क्या क्या हो रहा है इस कढ़ाई में, कैसे मेरी मम्मी दही वड़ा डाल रही है। हम लोगों को भी आता है बनाने बट मम्मी के इतना परफेक्ट बनाना नहीं आता, मम्मी बड़ा बड़ा बना लेती है। मुझे भी मम्मी की तरह बनाना नहीं आता। कमेंट में आप लोग जरूर बताना किसको किसको मम्मी की तरह दही वड़ा बनाना आता है, मतलब मेरी मम्मी जैसा नहीं, सबको अपनी मम्मी जैसा, मुझे मेरी मम्मी जैसा बनाना नहीं आता है। और इधर सीखा सब्जी कट करके रखी हुई है, छोला बन चुका है और दही वड़ा के तक्कर का तैयारी हो रहा है उसके, और ये कुछ मम्मी छान करके निकाल चुकी है। तो आपने देखा ना पूरा तैयारी हो रहा है खाने का और मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकती क्योंकि पानी भी नहीं पिया है ना कल से। और हे एवरीवन, तो यहाँ पे हो रहा था पूजा और हम सब ने पूजा किया बट सावित्री का, मम्मी पूजा कर रही थी क्योंकि मुझे तो उतना आता नहीं है तो मम्मी पूजा कर लेती है, उसके बाद मैं मम्मी जैसे मुझे बताती है तो मैं ऊपर से चढ़ा देती हूँ। तो हम लोगों का पूजा फाइनली कंप्लीट हुआ, मैं फूल वगैरह चढ़ा रही हूँ, मम्मी जैसे जैसे मुझे बता रही है उस तरह से मैं पूजा कर रही हूँ। उसके बाद फिर हम लोग भगवान को धूप अगरबत्ती दिखा करके प्रणाम करेंगे। गाइस पूजा पाठ में तो मतलब मैं बता नहीं सकती, बोलने का तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था, कल से उपवास था मेरा और अब मैं प्रणाम कर लूँगी भगवान को। मेरा बेटा दोनों आ गया है, अब दोनों बेटा भी प्रणाम कर रहा है।
ये कज़न है, ये मेरा छोटा भाई है, मेरी मम्मी भी भगवान को प्रणाम कर ली, और मुझे पतिदेव जी को भी कॉल करना था, तो पतिदेव जी को कॉल करके बात कर रही हूँ कि उनका आशीर्वाद भी लेना तो बहुत ज़रूरी है ना, तो उनसे आशीर्वाद लिए बिना तो मेरा कोई भी पूजा सफल हो ही नहीं सकता है। तो फाइनली मैंने उनको वीडियो कॉल करा और फिर उनसे बात की, आशीर्वाद लिया। अब वो चूल्हो सियारू जो होता है ना, उसका फेंकने गई थी मैं, और मेरा घर अभी पूरा बिखरा पड़ा है क्योंकि घर में कुछ काम चल रहा है और मेरी मम्मी मुझे गोदी दे रही है और मेरा बेटा प्रसाद लेने के लिए परेशान हो रहा था। तो गाइस सीखा भी शरबत बना रही है और हम लोग अब शरबत पिए। ये फैमिली तो मेरा हो गया है पारण, खाना भी रेडी हो चुका है, तो अब मैं खाना खाऊंगी। और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले ब्लॉग में। बाय बाय।